नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं मुकेश कुमार, जिला कटिहार के मनसाही प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में हूं। आज से करीब 40-45 दिन पहले अमृत सरोवर में मनरेगा के तहत 200 मजदूरों ने काम का आवेदन किया था। इस काम के आवेदन में जो है ये लोग 24 दिन का काम किए थे और 24 दिन के काम में क्रमशः 12 दिन का 93 रुपया करके और 12 दिन का 70 रुपया करके इनको मजदूरी मिला है। इसको मजदूरी मिला जबकि मनरेगा में ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर काम करने के बाद जो है 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाता है, लेकिन अभी तक इन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान नहीं होने के कारण इन लोगों के क्या क्या परेशानी होता है हम दिखाएंगे ये रिपोर्ट में। समस्या यही है कि हम लोग 24 दिन काम किए, मिट्टी उस टाइम में नहीं बोला जैसा रोजगार सेवक। कहाँ काम किए थे? संतोला में, अमृतसर। तो हम लोग को पैसा 70 रुपया करके भेजा है। अच्छा। तो फिर हम लोग 3 दिन श्रमदान दिए हैं, तो बोला है कि आप फुल मजदूरी देंगे, लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं मिला। पोखर में काम चलाया 24 दिन। 24 दिन काम करने का बाद में तो हम लोग बोले कि जय प्यारे भारती आकर को अपना MB करे लेबर का साथ में, वो नहीं आया। चोरा को MB किया, मेरा मट्टी घटाया। मट्टी घटाने का बाद वो 15-20 दिन का बाद में बोला कि मट्टी घटा दिया। मट्टी घटाने का बाद में हम लोग फिर भी बोले कि मट्टी जब घट गया है तो हम लोग दोबारा सर्वदान देंगे। वहां जाकर को 3 दिन सर्वदान भी किए हैं, तो वो लोग बोल रहा है कि अभी पैसे जिला में नहीं है, मजदूर लोग मर रहा है। उसके बाद में कोई सेल नहीं दे रहा है, लोग बुलाता है, ये करता है, वो करता है, तो हाजिरी नहीं बनाता है, तो पैसा भुगतान नहीं करता है, तो 70 रुपया 90 रुपया करके मजदूरी आ रहा है, तो आदमी कैसे जिएगा, कैसे क्या करेगा। कितना काम किया है? वही काम हम लोग किए हैं 17-18 रोज। 17-18 दिन काम किए हैं, तो उसमें आपको अभी मजदूरी नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला? कोई आया था कि नहीं ब्लॉक से? नहीं, ब्लॉक से आया, रोजगार से आया, जय साहब आया, सब आया था। तो लोगों ने क्या बोला आपको? वो लोग बोला कि ठीक है आप लोग काम कर रहे हैं करिए, मतलब जैसे होगा वैसे, मतलब आप लोग का काम करना होगा देना। तो उसके बाद क्या बोला, फुल मजदूरी देंगे? वो अभी तो फुल मजदूरी का नाम नहीं बोला था। अच्छा, ये बोला कि मजदूरी देंगे? देंगे। मेरा मांग है 100 दिन का काम, 100 दिन का भुगतान। अच्छा, अभी जो है आपका हाजिरी जो बना है 12 दिन का 24 दिन का, उसमें फुल मजदूरी नहीं? हाँ, मेरा फुल मजदूरी आना चाहिए। जब श्रमदान दिया 3 दिन जाकर श्रमदान दिए पोखर में, तो हमको सब पूरा मजदूरी नहीं आएगा तो कैसे हम जिएंगे। कितना दिन हो गया काम किया हुआ आप लोग? काम किया हुआ तो 1 महीना। 1 महीना हो गया। अच्छा, तो ब्लॉक से कोई आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? ब्लॉक से साइड पर आया था। आता है साइड में समझ जाता है लोग, मैंने शुरू से ही सता रहा है हम लोग कि ऐसे ऐसे करेंगे मजदूर भाग जाएगा, तो हम लोग अपना काम करवाएंगे जीपीसी से। अच्छा, यही लोग को प्लान है। अच्छा, कितना दिन हो गया काम किया? काम करने से कितना दिन हो गया? 40 दिन हो गया है। 40 दिन से ऊपर हो गया है, तब ये लोग हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमको सोच है, फिर से क्या किया हम? इसके लिए हम सोच रहे हैं कि ब्लॉक जाएं, ब्लॉक में जाकर को पीओ प्यारे जय भारती को सबका सामने में ये सब पर्सनल रखे हैं, उसके बाद में वो देखते हैं क्या बोलता है नहीं बोलता है, तो वहीं पर बैठकर को हम लोग खिचड़ी बनाएंगे, खाएंगे और वहीं रहेंगे। सरकार साहब का मांग क्या है? वहाँ पर 150-200 तक लेबर चल रहा था। तो क्या हुआ मजदूरी का? मजदूरी हम लोग को नहीं मिला है अभी तक, और वही 70 टका और 90 टका यही दिया है हम लोग को। बना दिया है हम लोग पोखर, बना दिए, कंप्लीट कर दिया, जो भी घटा था श्रम दान दिए हैं। कितना दिन का श्रम दान दिए हैं? 3 दिन का। 3 दिन का? हाँ, सब 3 दिन का श्रम दान दिया है। ऐसे आप लोग घर में क्या काम करते हैं? हम लोग को तो यही जो मिला सो करते हैं, मजदूरी सब। हाँ, मजदूरी सब करते हैं। तो आप लोग जो है सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि काम दीजिए और पूरा दाम दीजिए। अच्छा, तो जो काम किया उसका पूरा मजदूरी चाहिए फुल? जी। बोल रहे थे क्या वो लोग का, क्या हुआ पेमेंट का उन लोग का, वो मोहनपुर पंचायत वाला का जिसमें अमित सरोवर ने जो काम किया था? हाँ, पेमेंट तो हो गया। हाँ, पेमेंट करा दिए। वो 97 वाला पेमेंट कराया है टोटल है, बोला कि 97 वाला पेमेंट करा है। वो वाला पेमेंट कहाँ हुआ है? 210 वाला पूरा फुल वाला पेमेंट तो यहाँ से तो ब्लॉक से तो सब हो ही न गया। कहने का मतलब खाता में पैसा वहाँ पटना से जो आया
हाँ, वो किसी एगो का इन लोग का भाग ठीक है कि कटिहार जिला में इन लोग का घुसा है, तो उससे क्या मतलब है? यहाँ से ब्लॉक से पेमेंट हो गया तो कभी न कभी आएगा। ब्लॉक से पेमेंट हो गया है? हाँ, तो ब्लॉक से पेमेंट होने पर थोड़े खाता में डायरेक्ट चल जाता है। मतलब आएगा अब जिस दिन वहाँ पटना से भेजेगा, पटना से कोई एगो पेमेंट भेजा है इसी लोग का, ऊपर खाली है। अच्छा, एक महीना पहले जिसका हुआ है उसका नहीं गया, लेकिन इन लोग का कैसे तो जो चल गया है अब आश्चर्य लग रहा है। अच्छा, 210 वाला गया है इसका फुल हाजिरी? नहीं, 210 वाला तो अभी पेमेंट कल हुआ ही है। और इसका कल हुआ है ये वाला? वो पहले वाला 93 वाला और 70 वाला गया है? अभी पूरे बिहार में कहीं पेमेंट नहीं हुआ है, यही एगो योजना में कार्य हो सकता है फंड में जी। पटना से भेजा होगा, 1.5 लाख रुपया होगा, वही ऑटोमेटिक चल आया होगा। अच्छा, जबकि 3/7 को पेमेंट जो किए थे वही वाला पैसा आया हमको लग रहा है। आपको ये मेरा रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके बतावे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पेज को लाइक करें। मैं हूँ मुकेश कुमार, जिला कटिहार, बिहार से, डेमोक्रेटिक चरखा के लिए।